ये भावराव तो यहाँ जड़ी बूटी ढूंढने तो नहीं आया है, हो ना हो नागेश सेठ से ही मिलने आया होगा। कितनी बार धोखा दिखा भावराव, कितनी बार। 16 साल तक दोस्त बना के मैंने तुझे संभाला, तेरा ख्याल रखा मैंने, उसका ये बदला दे रहा है तू? धोखा बदला? अरे क्या बकवास कर रहे हो नागेश सेठ। और हाँ, आपने कोई एहसान नहीं किया मुझ पे, पिछले 16 सालों से मुझसे काम करवाते रहे, समझे? लेकिन तुम्हारी तरह पीठ में छुरा तो नहीं भोका ना मैंने? भावराव, आज तेरी वजह से मेरा बेटा जेल में है, सिर्फ तेरी वजह से। क्या, अपनी जेल में? ये भोले बनने का नाटक तुम मत कर भावराव। नहीं, ये भी उसकी कोई ना कोई चाल होगी। मैंने प्रगति को उसके घर पे देखा है, नागेश सेठ के घर पे। रुक जाओ, मेरे पिताजी सही कह रहे हैं, गौरी नहीं है यहाँ पे। आप तीनों वापस लौट जाओ और अपनी गौरी को बाहर जाके ढूंढो। वो अपने पिता के साथ बहुत खुश है, और तुम्हें उस शहरी लड़की के लिए सहानुभूति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आज मारी की जो भी हालत हुई है सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुई है। लेकिन दादा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, दुश्मन की बेटी के लिए सफाई देने से अच्छा है कि अपनी मायरी की सेहत के लिए प्रार्थना करो। और ध्यान रहे, आज के बाद उस शहरी लड़की का नाम मेरे सामने कभी मत लेना।